दिस इज सरोज सोलंकी, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद सरोज सोलंकी। दोस्तों फिर से आपका भाई आपका दोस्त आपके लिए लेके आ गया है MR का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दोस्तों अगर आपने प्रैक्टिस नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेंट थॉमस। चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की। प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक डैश में लागू की गई। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की ओर। वर्तमान के फारस को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में जिसका नाम फारस है, वर्तमान पहले जिसका नाम फारस था उसको अभी किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ईरान। निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, हरे पौधों की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल। निम्न में से कौन सा ऊर्जा नवीकरण स्रोत के उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। चलते छठा क्वेश्चन की ओर। रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? इसका आंसर हो जाएगा मानव शरीर। दोस्तों हम ऑप्शन नहीं बोलते हैं जिससे आपका टाइम अति महत्वपूर्ण टाइम बर्बाद ना हो, इसीलिए हम डायरेक्ट आंसर बोलते हैं। PV बराबर स्थिरांक डैश कहलाता है, वेल्स लॉ। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा धोने का सोडा। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1971 में। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1914। मैकमोहन रेखा दोस्तों कौन दो देशों के बीच में है, इसका आंसर जरूर आप कमेंट कीजिएगा। उगते सूर्य का देश कहा जाता है? जापान, भारत, नॉर्वे, चीन। इसका आंसर हो जाएगा जापान, करेक्ट आंसर। रेडक्लिफ रेखा कब खींचा गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1947। दोस्तों इसका भी जवाब जरूर आप लोग कमेंट में दीजिए, कौन सा दो देशों के बीच में रेडक्लिफ रेखा खींचा गया है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है? इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण पानी का बूंद गोल होता है। मद्रास का युद्ध कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1746 ईस्वी में मद्रास का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में हुआ था ये कमेंट करना है दोस्तों। श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीवन अभ्यारण्य डैश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय योजना आयोग का गठन डैश में हुआ? 1950 में हुआ। शिवालिक की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश का CM कौन है जरूर दीजिएगा। दोस्तों पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण है, भूमि अपरदन का मुख्य कारण है? इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य देश का नाम है? डैश अमेरिका, रूस, UK, फ्रांस और चीन। GST कानून लागू करने वाला पहला राज्य है? असम। भारत की सबसे पुरानी पर्वत है? इसका आंसर हो जाएगा अरावली। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं? लक्षद्वीप। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे?
गौतम बुद्ध। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है कौन सा देश? ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, जर्मनी। इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। दोस्तों आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पर सेट में 25 क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे आपका भाई का मनोबल बढ़े, हौसला बढ़े और अच्छा से वीडियो बनाने में हौसला मिले, ताकत मिले। दोस्तों आपका लाइक, आपका कमेंट से हमें प्यार मिलता है, हमें हौसला मिलता है, ताकि हम एक और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छा वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, गुड बाय।